अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोग का रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। ऑब्वियसली रमज़ान भी एंड पर आ गया है और आप लोगों की भी फ्राइड फूड खा खा कर बस हो चुकी होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मरियम परवेज से इंस्पायर होकर उनकी एग सैंडविचेस। बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस बने थे, तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँ। मैं पहले भी मैक्सिकन वेज में वो सैंडविचेस शेयर कर चुकी हूँ, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह के थे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी चेक कीजिएगा। और ये तो बहुत लाइट बने थे, तो इसे भी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने इसके लिए लिए बॉयल एग्स। मैंने फुल बॉयल किए थे एग्स, हाफ बॉयल नहीं थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बॉयल्ड चिकन। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते, आप सिंपल एग सैंडविचेस बना लें लेकिन चिकन अच्छा लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चिकन ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट इसमें हमने ऐड करनी है बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, और ये हमने बहुत थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है और बहुत बारीक बारीक काटनी है, अदरवाइज इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। हमने एग सैंडविचेस बनाने हैं तो इसमें एग का टेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन चिकन आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड करने से उसका टेस्ट अच्छा होगा। नेक्स्ट हमने इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली मैश कर लेना है, बस एग्स ही हमने मैश करने हैं, बाकी सब चीज़ें हमने कोशिश करनी है कि एज इट इज़ ही रहें। नेक्स्ट अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो बहुत लाइट सैंडविच बनाने हैं, तो हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर भी 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर और डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइट बनाने हैं तो आप कम स्पाइसेस ऐड करें। और उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क आपके इस मिक्सचर को बहुत सॉफ्ट बनाएगा, जिससे आपकी ब्रेड भी सॉफ्ट रहेगी। तो मिल्क मैंने ऑलमोस्ट 2 to 4 tablespoons लिया था। आप अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा और ऐड कर लें, लेकिन इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ मैंने 7 to 8 tablespoons अंदाजन डाल ली थी, तो अगर आपको मेयोनीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लें, वो और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे सैंडविचेस। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। अच्छा, मार्केट से एक चिकन स्प्रेड मिलती है, ऑब्वियसली आप लोगों ने यूज़ तो की होगी, ये उससे भी टेस्टी था, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, उसमें जस्ट चिकन होता है, इसमें एग भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, तो ये बहुत मज़े का होता है। आप इसे स्टोर करें और आप जब चाहें इसे ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, इवनिंग टी में यूज़ करें। अच्छा, ब्रेड के स्लाइसेस मैंने साइड से कट नहीं किए, अगर आप करना चाहते हैं तो आप साइड इसकी कट कर लें। और हमारे सैंडविचेस अब बिल्कुल रेडी हैं, अब आप इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।